अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम माजिदा फ़हमी है और मैं जो है ना हुंजा के एक छोटे गांव गुलमित से मेरा ताल्लुक़ है और वहाँ पे जो है ना बचपन में मैं पहाड़ियों में अपने गाय भैंसे चराती थी और बेसिकली आई एम अ शेफर्ड गर्ल। सो वहाँ से मैं बड़े बड़े ख्वाब देखती थी कि एक दिन दुनिया में जाएंगे और कुछ बड़े काम करेंगे। एंड आई यूज़ टू लुक अप टू द स्काई और मैं तारों से बातें किया करती थी और फिर मैं ख्वाब देखती थी कि कब इन पहाड़ियों से आगे मैं जाके पूरी दुनिया को देखूंगी। इसी तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए मैं इस्लामाबाद आई। मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला, मुझे डिफरेंट लोगों को देखने का मिलने का मौका मिला। सो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। स्पेशली जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था विद स्ट्रीट चिल्ड्रन, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि हमारी कम्युनिटी में जो है ना स्ट्रीट चिल्ड्रन या अमीर गरीब का इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इतना ज़्यादा माशरे में वो नहीं है। तो यहाँ पर जब वो चीज़ मैंने देखी तो मुझे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। उस हवाले से फिर मैंने एजुकेशन पर काम करना शुरू किया। उस हवाले से मैं इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट हुई और अब इस साल मैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी बनी, यानी कि उस वो टाइटल मुझे मिला जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के उन 100 लोगों में से मेरा नाम आया जिसमें जो कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। सो दैट वॉज़ अ रियली बिग अचीवमेंट फॉर मी। इसमें डिफरेंट हर्डल्स तो ऑब्वियसली आए। बीइंग अ गर्ल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो इन द फील्ड। एट द सेम टाइम बहुत सारा सपोर्ट भी मिला, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जो कि हु जेन्युइनली वांट यू टू ग्रो, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको आगे ले आने की कोशिश करते हैं। तो वो जो है ना सपोर्ट मेरे लिए, मैंने उस पर अपनी नज़र ज़्यादा रखी और उस चीज़ को लेके उनकी एक्सपेक्टेशंस को लेके मैं आगे आई और अपना कंपनी खोला हमने वॉइन के नाम से, वॉइन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उसमें हम 3 सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, एजुकेशन पे बेसिकली काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन और डिजिटल मार्केटिंग पे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और अभी जो हमारा नया स्टार्टअप है, दिस रीसेंट स्टार्टअप इज़ अ रेस्टोरेंट जो कि F7 में मौजूद है, ईटले के नाम से, मरकज़ में आपको रूफ टॉप पर बहुत खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट हमने जो है ना बना के दिया है। और इंशाल्लाह जी आप लोग ज़रूर आइएगा। इस जगह को हमने बिल्कुल नेचुरल उसमें रखा है कि क्योंकि इंसान को जो है ना नेचर वापस बुलाती है अपनी जगह पर। हम जितने भी आगे तरक्की कर लें लेकिन जो नेचर की जो आवाज़ है, पानी की जो आवाज़ है, जो नेचर के तौर तरीके हैं, उसमें रहना हमारे लिए बहुत सुकून का बायस होता है। तो इस हवाले से हमने एक नेचर बेस्ड जो है ना थीम रखी हुई है और इस कैफ़े को प्यार से, बहुत प्यार से बनाया हुआ है। सो आप इंशाल्लाह जो है ना आइएगा और यहाँ के डिफरेंट खाने इंजॉय कीजिएगा। एंड वी आर लुकिंग कि हम आगे जाके ना सिर्फ खुद बिज़नेस में ग्रो करें बल्कि अपने साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी ग्रो करवाएँ और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हमें जो एक टाइम मिली है दुनिया में, अल्लाह ताला ने जो हमें ये वक्त दिया है, इसको बेहतरीन तरीके से यूज़ करके इस दुनिया में हम किसी न किसी के लिए अच्छे काम के लायक हो जाएं। मेरा मैसेज आप सबके लिए ये है कि ख्वाब देखने से आपने घबराना नहीं है। ड्रीम एज़ बिग एज़ इट इज़ पॉसिबल। अपने माइंड के होराइजन्स को बड़ा करें, बड़े बड़े ख्वाब देखें। अल्लाह ताला कोई ना कोई तरीके आपके लिए ढूंढ ही लेता है उस ख्वाब को पूरा करने के लिए। एंड बिलीव इन दैट ख्वाब, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस ख्वाब पर बिलीव करना सीखते हैं। और जब आपके पहले एक दो ख्वाब पूरे होते हैं ना, तब आपको ख़ुद पर बहुत कॉन्फिडेंस आता है और वो जो खुशी होती है वो आपको आगे लेके जाती है। सो मेरा आपके सबके लिए यही मैसेज है कि ख्वाब देखें और अपने ख्वाबों को पूरा करें।